बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब की यही कोशिश होती है कि हम पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाएं। जैसे ये ज़िंदगी जीते हैं हमारे माँ बाप, हमारे बुज़ुर्ग बार बार हमें समझाते हैं कि सब करने वाला पिता परमेश्वर, उसी ने सृष्टि रची, उसी के बहाने में सब कुछ होता है। तो इंसान चाहता है कि वो पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाए। हम चाहते हैं कि हम पिता परमेश्वर का कुछ अनुभव करें। जब अपनी ओर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि हम जिंदगी मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं। जिससे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसे उस जगह के, उस कल्चर के जहाँ पर वो पैदा हुआ है, तौर तरीके सिखाए जाते हैं। चलना कैसे है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, खाना खाना कैसे है। जहाँ जहाँ इंसान पैदा होता है, जो जो भाषाएं हों, जो जो कल्चर्स हों, जो जो उनके तौर तरीके हैं, वो बच्चों को सिखाए जाते हैं। और इस दुनिया में जीते हुए, औरों के साथ इंटरैक्ट करते हुए, जो हमारी इंद्रियां हैं उनके ज़रिए ही सब कुछ हम करना शुरू कर देते हैं। आँखों से इंसान देखता है, कानों से सुनता है, नाक से सूंघता है, जबान से चखता है, और स्पर्श इंद्रियां, हजारों सेंसेस इस शरीर में है। यहाँ हाथ लगाओ पता लगता है क्या हो रहा है, यहाँ लगाओ पता लगता है क्या हो रहा है, यहाँ हाथ लगाओ पता लगता है क्या हो रहा है। तो अलग अलग सेंसेस हैं स्पर्श के, फीलिंग्स ऑफ टच। तो इनके ज़रिए जिनसे भी हम मिलते हैं उनके भाव हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं, और उसी के ज़रिए हमारी ज़िंदगी चलती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रबल ये देखने की इंद्रिय है, इसीलिए हम सोचते हैं कि जो हमने खुद आंखों से देख लिया वो सच है। जो कुछ इंसान देखता है वो कहता है यही सच है। साइंटिस्ट बताते हैं कि 83% एक्टिविटी हमारी सेंस ऑफ सही से आती है, 14% एक्टिविटी हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग से, जो सुनने की शक्ति है, सुनने की इंद्रिय के जरिए आती है। इसीलिए ये सेकंड शक्ति है जो प्रबल है। इसमें हम यही समझते हैं कि हमने अपने कान से सुना, ये झूठ हो ही नहीं सकता, किसी और ने तो पता नहीं, हमने खुद सुना। फिर जो सूंघने की शक्ति है, जो चखने की शक्ति है, स्पर्श की शक्ति है, इससे खाली 3% हमारी एक्टिविटी होती है। तो सबसे ज़्यादा हमें आँखों की शक्ति को यूज़ करते हैं, और इनके ज़रिए जो और इंसान इस धरती पर हैं, और जो जीव हैं, जानवर और किस्म के जीव, उनसे जो होता है, ये जो दुनिया बनी हुई है, इसमें इन आँखों के ज़रिए वही दिखता है जो कि मैटर का बना, जड़ता का बना है, उसी को हम असली समझना शुरू कर देते हैं। और फिर पिता परमेश्वर को भी मन इंद्रियों के घाट पर पाने की कोशिश करते हैं। इंसान सोचता है कि प्रभु को पाना बहुत मुश्किल होगा, जिसने सारी सृष्टि रची, 7 बिलियन तो लोग यहाँ पर जी रहे हैं, कितने जानवर, कितने कीड़े मकोड़े, कितने और जीव हैं जो 84 लाख जी आज उनमें बस रहे हैं, तो कितनी आत्माएं हैं जो कि सृष्टि में बिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ बिलियंस, ट्रिलियन से भी ज़्यादा होंगी। तो इंसान सोचता है कि प्रभु जिसने सबको रचा उसको हम कैसे मिलेंगे, हम तो छोटे से हैं, पिता परमेश्वर इतने बड़े, और करोड़ों 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 लोग
उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें कैसे मिलेंगे। तो हम सोचते हैं प्रभु को पाना बड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए हमारे अंदर वो भाव जागृत हो जाते हैं कि प्रभु को पाने के लिए तो बहुत मुश्किल काम करना पड़ेगा, आसानी से तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं और बाहरी रूप से पिता परमेश्वर को पाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बाहर की चीजों में हम प्रभु को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। और फिर जब इस जिंदगी में जीते हैं तो जो हम लेने की कोशिश करते हैं, जो पाने की कोशिश करते हैं, वो कुछ दे के लेते हैं। आपने कपड़े खरीदने हैं तो आप कुछ पैसे दोगे, आपको कपड़े मिलेंगे। आपने घर खरीदना है तो और काफ़ी ज़्यादा पैसे दोगे। कार खरीदनी है कि भाई पैसे दोगे कुछ मिलेगा। ज्वेलरी खरीदनी है कुछ दोगे पैसे तो मिलेगा। तो हम हर एक चीज़ को सोचते हैं शायद ये पैसे दे के हमें मिल सकता है। और बहुत से लोग इसीलिए दान करते हैं, सोचते हैं कि अगर मैंने दान करा कहीं पर पैसे तो शायद मुझे प्रभु की नज़दीकी मिलेगी। हम प्रभु को भी बिजनेस के तौर पर खरीदने की कोशिश करते हैं। कबीर साहब जिन्हें संत कृपाल सिंह जी महाराज फादर मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी कहा करते थे, कबीर साहब जिनके अनुयायी जिनके शिष्य हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, उस जमाने में जब वो जीते थे तो जो लोग रहते थे सब उनके पास जाते थे, क्योंकि बड़े सरल शब्दों में वो रूहानियत का रास्ता समझाते, वो समझाते थे कि पिता परमेश्वर को पाएंगे कैसे। कबीर साहब जिनकी जिंदगी में बहुत से एग्जाम्पल्स हुए और बहुत से उन्होंने जिंदगी आसान एग्जाम्पल लेके रूहानियत के रास्ते को समझाया है। एक बार एक पंडित जी उनके जिंदगी के टाइम में रहते थे, तो पंडित जी को धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। तो उस समय कंपटीशन हुआ करते थे कि किसको ज़्यादा ज्ञान है धर्म ग्रंथों का। तो पंडित जी सबको हरा के सबसे जीत गए। सबसे जीत गए तो उन्होंने कहा अपना नाम बदल दिया कि सर्वाजीत नाम रख लिया कि मैंने तो सबको हरा दिया, मैं सारे दुनिया से जीत गया। तो जब सर्वाजीत नाम रखा तो अपनी माता जी के पास गए, उन्होंने कहा मुझे आप कल से सर्वाजीत बुलाया करो। उनकी माता जी सियानी थी, उनको लगा मेरे बच्चे का तो दिमाग खराब हो गया, ये तो अपने आप को बहुत समझना शुरू हो गया। तो उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें सर्वाजीत बुलाऊंगी। वो ना एक कुटिया में एक संत रहते, उन्हें कबीरा कहा जाता, कबीर साहब को कबीरा के नाम से बुलाया जाता, तो ना उनको जाके हरा फिर मैं तेरे को सर्वाजीत बुलाऊंगी। तो अपने वो पोथियाँ लेके सब कबीर साहब की कुटिया में पहुंच गया। तो कबीर साहब उनसे मिला, पूछा क्या बात है। तो उसने कहा कि मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स करने आया हूँ, जो भी धर्म ग्रंथों में लिखे ऐसे मैं आपसे कंपटीशन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी माता जी कह रही हैं अगर मैं आपको हरा दूंगा तभी मुझे सर्वाजीत पुकारेंगे। तो कबीर साहब ने कहा इसमें क्या क्यों क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो मैं तुम्हें लिख के देता हूँ मैं हार गया तुम जीत गए। तो उसने कहा हम तो खुश हो गया, कबीर साहब ने लिख दिया कबीरा हारा सर्वजीत जीता और उसको कागज दे दिया, बड़ा खुश 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 कर गया। अपनी माता जी को कागज दिया उसने कि देखो मैं उनको हरा के आ गया। तो माता का बेटा मेरे को तो पढ़ना था, तू पढ़ के सुना क्या लिखा है इसमें। जब वो पढ़ा उसने तो वहां लिखा था सर्वजीत हारा कबीरा जीता। वो हैरान हो गया, उन्हें सोचा शायद कबीर साहब ने मुझसे चलाकी कर ली, बोला कुछ लिख कुछ दिया भागा भागा वाप कर दिया। और उनसे बोला कि शायद गलती हो गई, तो कुछ लिखा गल गया है तो आप तो ऐसा आप तो कह रहे हैं आप हार गए हैं तो आप लिख दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात तू खुद ही लिख ले कि ये ना फिर से मेरे से गलती हो जाए, तू लिख ले जो लिखना। तो उन्होंने लिखा कबीरा हारा और सर्वजीत जीता। तो कबीर साहब ने सिग्नेचर करके भेज दिया। जब वापस गया अपनी माता जी के पास, उन्होंने फिर कहा कि पढ़ के सुना, तो उसमें फिर लिखा हुआ था कि कबीरा जीता सर्वजीत हारा।
उसके तो पैर के नीचे जमीन निकल गई। मैंने खुद लिखा था कि गलत कैसे हो गया, तो भागा भागा गया उनके पास, उनके पैरों पड़ा, कहा कि वो क्या विद्या है कि आप, मैंने खुद लिखा वो बदल गया। तो कबीर साहब ने हंस के उसे कहा कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंकन की देखी, कि जो तू कह रहा है, जो तूने पढ़ा लिखा है, जो तूने देखा है, तू उस ज्ञान की बातचीत कर रहा है, मैं उस ज्ञान की बातचीत कर रहा हूँ जो अंदर मैंने खुद अपने अंदर देखा है, बाहर की आंखों से नहीं, अंदरूनी आंख से। और वही ज्ञान कबीर साहब सबको देते चले गए। उन्होंने समझाया कि बाहर की इंद्रियों के घाट पर जीते हुए पिता परमेश्वर को हम कभी पा नहीं सकेंगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी कुछ ऐसे फरमाया है कि सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर टोले सो भरम बुलाई, के सब कुछ इंसान के भीतर है, पिता परमेश्वर भी हमारे भीतर है। माइक्रोकॉस्म में माइक्रोकॉस्म कैसे समा गया, एक बूंद में कैसे समुंदर समा गया, ये भारी रूप से समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन कतरे के अंदर समुंदर है, हम हर एक के अंदर पिता परमेश्वर है, ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले हैं। और उनको पाने के लिए कहीं को पैसे देने की जरूरत नहीं, तो करना क्या है, तो कभी सब फरमा रहे कि कंचन सियों पाइए नहीं तोल, तो कह रहे कि अगर आप सोने में, जो सोना सबसे महंगा कंसिडर होता है, हर एक इंसान सोचता है मैं सोना इकट्ठा करूं, तो उसकी वैल्यू बहुत है, कि अगर आप सोना भी दोगे तब भी उसको तोल के दोगे, जितना मर्जी तोल लो, अपने वेट में तोल दो। बहुत सी पुरानी कहानी सुनते हैं ना, उन्होंने किसी को तोल दिया जी सोने के वेट में और दे दिया और ये करा, तो कह रहे हैं कि अगर सोने को भी हम देंगे, तोल के देंगे, जितना मर्जी देंगे, तब भी पिता परमेश्वर मिलने वाला नहीं है। कैसे मिलेंगे, कि मन दे राम लिया है मोल। तो कह रहे हैं कि कबीर साहब कह रहे हैं कि मैंने कैसे राम पिता परमेश्वर को मैंने कैसे पाया, तो जो संतों का राम है वो अंदरूनी शब्द, जिसे ज्योति और श्रुति भी कहा गया है, कलमा भी कहा गया है, वो शब्द जिसके जरिए शब्द को रचा गया, तो कह रहे हैं कि उस शब्द के जरिए हम यहाँ आए हैं, उससे जुड़ेंगे तो पिता परमेश्वर को पालेंगे। कैसे, कि मन दे राम लिया है मोल, कि उसको पाने के लिए करना क्या है, मन को देना है। तो मन को देने का मतलब क्या, मन यहां से काट के निकाल के तो देना नहीं है, हमारा मन जो इस शरीर में हमारी आत्मा के साथ बस रहा है, इस शरीर को हरि मंदिर कहा गया कि इसमें प्रभु बस रहे हैं, तो आत्मा भी बस रही है, पिता परमेश्वर भी बस रहे हैं, उनका मिलाप क्यों नहीं होता। मन ने दीवार बीच में खड़ी की है, मन नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को पाएं, क्योंकि अगर हम पाएंगे तो फिर जो काल का दायरा है, जो पिंड अंड और भ्रमण का है, जो इतने तीन मंडलों का है, उसमें से आत्माएं कम हो जाएंगी। तो मन चाहता है कि हम 84 लाख जिया जून में अटके रहें, ताकि जो उसका डोमेन है वो कम ना हो, और उसकी यही कोशिश होती है कि इच्छाओं के जरिए वो हमारे से कर्म करवाए, हर एक सोच, हर एक बोल, हर एक कार्य से कर्म बनते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, उनका भुगतान करने के लिए, उनका फल लेने के लिए बार 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 वापस आना पड़ता है, और 84 लाख जिया जून से हम अटके रहते हैं। कृष्ण जी महाराज ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन करा कर्मों की थ्योरी, वो फरमाते हैं कि जो बुरे कर्म है वो तो सबको पता बुरे हैं, कुछ चीज़ आप गलत करोगे, किसी को गालियाँ दोगे, किसी की मार पिटाई करोगे, किसकी चोरी करोगे, कुछ किसी का हक मार लोगे, तो आपको पता है गलत काम करा है, तो लगता है हमने गलत काम करा है, इसका तो भुगतान तो करना ही पड़ेगा, प्रभु की नज़र से तो कुछ छुपा नहीं। तो उनको वो कहते हैं कि ये लोहे की चेन्स हैं, लोहे की चेन से
जो प्रिजनर होते हैं, जो खराबी करता है उसको बांध दिया जाता है। लेकिन वो फरमाते हैं कि जो अच्छे कर्म है जिनका हमने फल लेना है, जैसे हमने किसी की मदद की, कुछ अच्छा काम करा, कुछ और चीजें करी, वो कहते हैं ये भी कर्म है, ये भी जंजीरें हैं किसकी, सोने की, इनका फल लेने के लिए तो वापस आना पड़ेगा। तो जब तक सारे कर्म कटेंगे नहीं, 84 लाख जिया जून से हम हट नहीं पाएंगे, वो जो व्हील ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन है उसके ऊपर ही अटके रहेंगे। तो हमें उस स्थिति में जाना है जिसे नेक कर्म का, जिसमें कोई कर्म ना हो, और मन जब तक चलता रहेगा, क्योंकि मन तो मरकी के मावे, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता है। अभी बुलंदशहर में बैठा उसी क्षण में सोचेगा दिल्ली में, उसी क्षण में सोचेगा मैं न्यूयॉर्क में, सोचता मैं मून के ऊपर हूँ। तो मन की रफ्तार बहुत तेज है, कभी यहाँ भागता है, कभी यहाँ भागता है, कभी यहाँ भागता है। तो फरमाते मन दे राम लिया है मोह, के प्रभु को पाने के लिए, शब्द के साथ जुड़ने के लिए मन को शांत करना होगा। जिसकी हलचल है, उसकी जो डायरेक्शन है, जहां वो जा रहा है, जहां उसका ध्यान दुनिया की चीजों में लगा है, उसको हटा कर उसे प्रभु की ओर करना पड़ेगा। तो अगर ये वाला वर्स ध्यान से समझें तो इसमें प्रभु को पाने का रास्ता बता दिया गया। वेदों और उपनिषदों में भी आया है कि जब तक शरीर शांत ना हो, जब तक इंद्रियां अंदर की ओर खिंची ना हो, जब तक मन शांत ना हो, तब तक प्रभु की ओर रसाई की नहीं जा सकती। प्रभु को पाने के लिए शरीर को शांत करना और फिर मन को शांत करना बहुत जरूरी है। और शरीर को शांत करना बहुत आसान है, कोई शांत जगह ढूंढ लें जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, तो सुनने की इंद्री अंदर की ओर खिंच जाएगी, शोरगुल हो ही ना, ध्यान बाहर जाएगा ही नहीं। जब ध्यान टिकाने के लिए बैठे, चाहे हम हजारों की तादाद में बैठे, हम सब एक ही समय पर ध्यान टिका सकते हैं, क्योंकि हम सबका रिलेशनशिप पिता परमेश्वर से अपना अपना है, अलग अलग है। तो देखना यह है कि हमारे शरीर का ऐसा किसी को ना लगे, नहीं तो अगर वो इंसान हिलेगा हम भी हिल जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जो स्पर्श की इंद्रिय है वो अंदर को खिंच जाती है। हम कहीं भी बैठ के प्रभु को पा सकते हैं, उनको मिल सकते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि प्रभु ने रची है, इसके से सारी जगह पवित्र है। ये नहीं कि एक जगह ज्यादा पवित्र है, दूसरी जगह कम पवित्र है। तो हम जहां भी बैठे हों, एटमॉस्फेयर को बदलने की जरूरत नहीं। बहुत से भाई बहन सोचते हैं अगरबत्ती जलाओ, थोड़ा सेंटर करो, थोड़ा दीप जलाओ, तभी अभ्यास कर पाएंगे, ऐसी कोई जरूरत नहीं। हम जहां भी हम बैठ सकते हैं, क्योंकि जो सेंस ऑफ स्मेल है वो हमें बाहर की ओर ना खींचे। अगर अगरबत्तियां जलाएंगे वहां पर, एटमॉस्फेयर को बदलेंगे, तो ध्यान बाहर की ओर जाएगा, ताकि जो सूंघने की इंद्रिय भी अंदर को खींचे। जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठेंगे तो हम खाएं पिएंगे नहीं, ताकि चखने की इंद्रिय अंदर को खींचे। तो एक जगह शांत जगह ढूंढ के बैठ के आंखें बंद करेंगे तो पांचों इंद्रियां अंदर की ओर खींचे। आंखें बंद करते सार ही होता क्या, जैसे ही हम बैठेंगे आंखें बंद करेंगे, मन जो नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को पाए, वो कोई ना कोई हमें विचार भेज देता।